नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले करीब एक डेढ़ महीने से मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाक छान रहा हूं और इलेक्शन के माहौल में इलेक्शन के टेम्परेचर को अपने खुद के हाथों से छू के जज करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए थोड़ा क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में कुछ लोगों ने कहा था कि पीछे का बैकग्राउंड ख़राब है, किसी ने कहा था वॉइस क्वालिटी ख़राब है, वो मैं एडमिट करता हूं वो खराबियां थीं, लेकिन चूंकि आउटडोर कर रहे हैं, स्टूडियो प्रॉपर नहीं है और उसको जो भी हमारे अपने संसाधन है उसी से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं लाइट है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं अभी भी कहीं आपको 4G मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, लोडिंग अपलोडिंग ये सब समस्याएं हैं, उसके बीच भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखे हैं और आपका अपार स्नेह हमें इस बीच भी मिलता रहा है। आज हम लोग कुछ 2-3 इशूज़ पर बात करेंगे क्योंकि अब लोगों का नंबर्स गेम में लोगों को ज़्यादा आनंद आ रहा है। नंबर्स गेम की भी बात करेंगे लेकिन आज नहीं, वो हफ्ते में एक दिन हम लोग नंबर्स गेम की बात किया करेंगे। आज हम लोग बात कर ले रहे हैं 2-3 छोटे छोटे इश्यूज़ जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, केरल में पट्टनमिट्टा जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें के सुरेंद्रन जी ने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा है, मतलब नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके ऊपर ज़्यादा नहीं, कुल 242 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये आपराधिक मामलों की जो लिस्ट बनी है वो 4 पेज की है। तो मतलब हम ये मानेंगे कि सारे रिकॉर्ड चूंकि मोदी ही जी ले जा रहे हैं तो ये रिकॉर्ड भी मोदी जी की पार्टी के पास ही गया है कि सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के उम्मीदवार का रिकॉर्ड भाजपा के नाम से जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इससे बहुत पीछे कुछ चीज़ों में नहीं है। एक बहुत ही हंसी की बात हुई अभी 1-2-3 दिन पहले, तमिलनाडु की एक सभा में राहुल गांधी जी एक भाषण दे रहे हैं और उनका ट्रांसलेशन एक कर रहा है कोई उनका लोकल वहाँ के तमिल नेता, और वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बोल कुछ रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ आगे भी हो जाती तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, जो लोकल नेता हो वो अपना बोले, जो वहाँ का नेता हो वो अपना बोले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में राहुल गांधी जी को चूंकि बड़ी स्टेट है इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था और किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल आदमी को लगाना चाहिए था जो कम से कम जो वो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बात पिछले दिनों जिसका इस चुनाव से लेना देना कुछ नहीं है लेकिन वो बात फिर से बार बार निकल के आ रही है, देखिए 9 सितंबर 2008 में मालेगांव वाली महाराष्ट्र में एक बम ब्लास्ट हुआ था जो मुस्लिम बाहुल इलाका था, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर मुकदमे चले और उसमें एक महिला का नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर था, वो भी उसमें एक आरोपी थी। प्रज्ञा ठाकुर जी ने उसके बाद इन्होंने कई बार ये कहा कि मुझे बहुत यातनाएं दी गईं, उन्होंने कहा कि मैं 13 दिन पुलिस कस्टडी में रही और उस दौरान मुझे शारीरिक यातना भी दी गई। उनकी एक एप्लीकेशन मूव हुई और अगस्त 2014 में जब भाजपा की सरकार केंद्र में भी आ चुकी थी और उन्हीं का NIA था, उसके सुपरविजन में एक जांच की गई वो मानवाधिकार कमेटी के कहने पे। उस जांच ने ये पाया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं और ये भाजपा की सरकार के समय की बात है। जो महाराष्ट्र की जो लोअर कोर्ट थी जो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं उसने भी इन्होंने इस तरह की बहुत सी याचिकाएं दायर की थी, इसको निराधार मानते हुए इसको रिजेक्ट किया था। ये फिर हाई कोर्ट में भी गई थी, वहाँ पर भी इन्होंने उसको निराधार बिना आधार का मानते हुए उसको रिजेक्ट किया था। अब ये भोपाल में इलेक्शन लड़ने आ गई हैं। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग है, इनको ये जेल में थी और इन्होंने फिर कहा कि मुझे बीमारी है और कोई कैंसर की बीमारी, इन्होंने बताया कि मुझे कैंसर है और मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। कोर्ट ने और इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कोर्ट ने कहा कि भाई अगर इनको बीमारी है और ये चल फिर नहीं सकती हैं और इन्होंने कहा कि मुझे आयुर्वेदिक इलाज करूँगी, जिसमें कोर्ट के जज ने कहा कि हालांकि आयुर्वेदिक का बहुत इलाज कैंसर के लिए
ठीक नहीं है, लेकिन इस बिना पे इनको बेल दी गई थी। इनको बेल चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई थी, ये चल फिर नहीं पा रही हैं, इनको इलाज कराना है इसलिए बेल दी गई थी। ये बाहर निकल के आके इन्होंने, भाजपा ने इनको टिकट दिया और अब ये भोपाल से दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट चुनाव मैदान में है। मैं उस बात को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात आप लोगों के विवेक पे छोड़ दे रहा हूँ, जहाँ इन्होंने अपने सीने पे गोली खाए शहीद हेमंत करकरे के बारे में जो बात कही है, वो आप लोग उस पर निर्णय करें कि एक शहीद के लिए इस तरह का कहना कितना उचित और कितना अनुचित है। उन्होंने हालांकि बार बार ये कहा है कि पुलिस ने मुझे बुला के मेरे साथ बहुत गंदी भाषा में बात की। मेरे ख्याल में आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि पुलिस का काम बोली द्वारा ही आपको से बात करवाना या अपराधी से बात करना होता है और बोली से ही वो करते हैं और वो कड़े से शब्दों में बात करते हैं। वो कहीं मुझे आज तक कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं मिला जो हाथ जोड़ के बोले कि नमस्कार, आप आइए बैठिए, आप ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, इस तरह का। तो मुझे, मेरे जानकारी में अगर आप लोगों को कोई हो कि पुलिस वाला जब तफ्तीश करता है तो वो ठंडा गर्म पूछता है, नमस्कार करता है, वो कड़ी ही भाषा का इस्तेमाल करता है। और ये तो आप कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप सही थी या गलत थी, लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट डिसाइड कर चुकी हैं कि आप यातना के मामले में झूठ बोल रही थी। इस बात को यहीं पर रोकते हैं। मैं फिर अपनी एक बात दोहराता रहूँगा कि आज भी इलेक्शन कमीशन के कहने पे जो हमारे गवर्नर साहब हैं कल्याण सिंह, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत इलेक्शन कमीशन को मिले हैं कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रेसिडेंट को की है क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपॉइंटी हैं उनको हटाने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट जी ने उसको होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है। होम मिनिस्ट्री में वो किस बाबू के डेस्क पे है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पंकज कपूर का एक सीरियल ऑफिस आता था, शायद वो उस ऑफिस में फाइल कहीं फंस गई है। चुनाव 4 या 6 तारीख को राजस्थान में लोकसभा के चुनाव पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर कहीं हटाया भी जाता है तो वो केवल सांकेतिक हटाना होगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस बीच इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए इस पर ज़रूर एक सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए कि उसका क्या हुआ, उस गवर्नर को हटाने की जो इनकी सिफारिश थी उसका क्या हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।